हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कैप, पैंट और चोली बनाना दिखाऊंगी। ये हम दोनों साइड पहना सकते हैं। इस तरह का मैंने ये पूरा ड्रेस बनाया है। ये न्यू डिजाइन ड्रेस है फ्रेंड्स। देखिए, मैंने पूरा कवर सिलाई किया है, कहीं भी धागा धागा नहीं दिखाई दे रहा है। और ये कैप भी आप देखिए, पूरी मैंने कवर सिलाई की है। और कैसे की है वो मैं पूरे वीडियो में आपको स्टेप बाय दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना कितना प्यारा? तो आप भी इस तरह से घर पे कम खर्च में बना सकते हैं। ये मैंने विंटर ड्रेस बनाया है लड्डू गोपाल जी का। तो ये ड्रेस मैं आपको पहना कर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी लिए है। हम 6, 7 और 8 को आसानी से पहना सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये हमने चोली पहनाई, अब हम पैंट पहनाएंगे। मैंने और भी बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के ज्वेलरी के वीडियोस बनाए हैं, आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी माया टैलेंट है। अब हम पर्पल में पहनाएंगे। मैंने येलो और पर्पल का यूज किया है और ये मैंने वेलवेट से बनाया है। वेलवेट का कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम आता है फ्रेंड्स। तो देखिए कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पार्ट लिए हैं। तो इसकी लंबाई है 6 इंच और चौड़ाई इसकी 3 इंचेस है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क किया है। देखिए, ये 3 इंच का है तो हम 1.5 इंच पर मैं मार्क करूँगी और सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे हम हल्की से हाफ में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई करेंगे तो पूरा हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाई हो गई। अब हम बीच में से कट कर लेंगे और इसको पलट लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स बनाने का। तो देखिए, पलट गया है। अब नीचे हम मोड़ कर बीच में डोरी डाल देंगे और यहाँ पे मोड़ कर टिच कर लेंगे। सिंगल फोल्ड करना है फ्रेंड। अब हम पूरे चोली में प्रेस टिच लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी प्रेस स्टिच हो गई और कवर सिलाई भी हो गई और चोली भी बन गई। है ना इजी तरीका? तो हम कुछ इस तरह से पहना सकते हैं और फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे पैंट। तो इसकी लंबाई है 6.5 इंच और चौड़ाई इसकी 3 इंचेस है। पहले हम एक साइड सिंगल फोल्ड करके टिच कर लेंगे। अब दोनों किनारों पर हम टिच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1.5 इंच तक टिच किया है। अब हम ऊपर नेफा बनाएंगे तो सिंगल फोल्ड करके यहाँ पे टिच कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक डालना है। अब हम इस तरह से दोनों किनारों को जोड़ कर नेफे की साइड हमें टिच नहीं करना, बाकी जो कपड़ा है हम टिच कर लेंगे। और यहाँ पे सेंटर निकाल देंगे और ये सिलाई वाला पार्ट वहीं पे अटैच करके तिकोना आकार करके यहाँ पे टिच कर लेंगे।
बहुत ही इजी तरीके से हम पैंट बना सकते हैं। बीच वाला पार्ट हम काट लेंगे। तो देखिए ये हमारी पैंट बनके रेडी है। अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए 1 मिनट में बन गया। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये बाजार में आसानी से मिल जाता है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे सुई और धागे की मदद से हम बीच में इलास्टिक डाल देंगे। बस इस तरह से हमें धीरे धीरे खींच लेना है। तो देखिए ये हमारा इलास्टिक बाहर निकल गया है। अब हम यहाँ पे अच्छी तरह से करके यहाँ पे नॉट्स लगा देंगे ताकि हमारा लबर यहाँ से छूटे नहीं, और यहाँ से कट कर लेंगे एक्स्ट्रा। तो देखिए ये हमारी पैंट बनके रेडी है। तो ऐसे ही मैंने दूसरी भी बना ली है फ्रेंड्स। अब हम बनाएंगे कैप। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट लिए हैं और इसकी लंबाई है 4 इंचेस, चौड़ाई इसकी 2 इंचेस है। पहले हम इस तरह से सिंगल फोल्ड करके यहाँ पे टीच कर लेंगे दोनों में। बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखना मैं किस तरह से बनाती हूँ। अब दोनों टीच वाला भाग हम जोड़ देंगे इस तरह से, और इस तरह से मोड़ कर यहाँ पे हम टीच कर लेंगे पूरे राउंड में। तो देखिए हमारी टीच हो गई। इसी तरह से यहाँ पे भी हम टीच कर लेंगे, पर थोड़ी जगह बचा कर रखेंगे ताकि हम कैप को पलटा सके। अब हम यहाँ से पलटाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कैप पलट गई है, और इस तरह से थोड़े कोने में हम अंदर की तरफ डाल के पूरा प्रेच टीच लगा देंगे। तो देखिए हमारी प्रेच टीच लग गई और 2 कैप बनके रेडी हो गई। अब हम दोनों साइड इसको पहना सकते हैं, और यहाँ से धागे से हम गले पे बांधने के लिए डोरी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स है ना इजी तरीका। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए हमारी 2-in-1 कैप बन के रेडी है। तो ये हमारी कैप, ये हमारे 2 पैंट, और ये हमारी चोली। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।